विरुद्धाहार नाम की एक चीज होती है, यानी अगर आप एक चीज खाकर कुछ ऐसा खाते हैं जो उसके खिलाफ काम करता है तो ज्यादा नुकसान होगा। अगर आप कोई तामसिक चीज खाते हैं तो शरीर में जड़ता आएगी, अनुभव का स्तर धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो सद्गुरु, आपके हिसाब से मानसिक बीमारियों का मूल कारण क्या है? क्या आप एक कारण पूछ रहे हैं? आप कई बता सकते हैं। देखिए, हमारा खाने का तरीका मानसिक बीमारी का एक बड़ा कारण है। आज हम अनजाने में कई स्तरों पर रसायन और हार्मोन अपने अंदर ले रहे हैं, उससे इस पीढ़ी को कई मानसिक बीमारियां हो रही हैं। हम भोजन जिस तरह से खाते हैं, ये शायद ब्रिटेन में थोड़ा अटपटा लगे, पर प्लीज मेरी बात ध्यान से सुने। हम जीवन को इस तरह देखते हैं, आज आप जैसे व्यक्ति हैं, आप ऐसे इसीलिए बने हैं क्योंकि आप पर आपके माता पिता का, आपके स्कूल का, शिक्षा का और जीवन की कई चीजों का असर है, तभी आप ऐसे व्यक्ति बने हैं, है ना? आपने कई चीजें पाई हैं तो हमेशा आप कुछ पा रहे हैं। आपको सिर्फ सूचना और विचार नहीं मिल रहे, जीवन कई स्तरों पर प्राप्त करता है, ऊर्जा के स्तर पर भी। तो भारत में जब भी हमें कुछ पाना होता है तो सबसे पहले हम पालथी लगाकर बैठते हैं। अभी मैं वैसे ही बैठा हूं, शायद दिखाई नहीं देगा, पर पहली चीज है पैरों को एक के ऊपर एक रखना, क्योंकि हम अपने शरीर के निचले हिस्से से प्राप्त नहीं करना चाहते। हर पॉजिटिव चीज हम अपने शरीर के ऊपरी हिस्से से प्राप्त करना चाहते हैं। तो किसी भी शक्तिशाली ऊर्जा के स्थान पर पहली चीज है पालथी लगाकर बैठना और हाथ खुले रखना, क्योंकि हम ऊंचे आयामों से ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। योग शरीर विज्ञान में 112 चक्र होते हैं, 114, पर इंसानी शरीर के अंदर 112 चक्र हैं। इन 112 चक्रों की 7 श्रेणियां हैं, हर श्रेणी में 16 चक्र हैं। इन 7 श्रेणियों को आज दुनिया में चक्र कहते हैं। पहले 3 चक्र जीवन यापन से जुड़े हैं और बीच का चक्र इन 2 चीजों का मिलन है। यहां से ऊपर, अनाहत से ऊपर के चक्र आत्मज्ञान प्रक्रिया से जुड़े हैं। तो उस अर्थ में ये जरूरी है कि आप कुछ चीजें सही तरीके से ग्रहण करें। भोजन बुनियादी स्तर की ग्रहणशीलता है। हम कैसे ग्रहण करते हैं, हम क्या ग्रहण करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम कैसे भोजन खा रहे हैं? राइट नाउ एज यू सी सोसाइटीज गेट मोर एंड मोर एफ्लुएंट, दे स्टार्ट ईटिंग वर्स एंड वर्स फूड। आज जैसे जैसे समाज ज्यादा से ज्यादा संपन्न हो रहे हैं, वो उतना ही बुरा खाना खा रहे हैं। भारत में गांव के लोग जिसे छूते भी नहीं हैं, बड़े शहरों में लोग वैसा खाना खा रहे हैं, वैसा भोजन। यानी आज पश्चिमी समाज जो चीजें खा रहे हैं वो कम से कम 30 से 60 दिन पुरानी होती हैं। योग में भोजन को सात्विक, राजसिक या तामसिक मानते हैं। तमस यानी जड़ता। अगर आप तामसिक भोजन खाएंगे तो आप में जड़ता आ जाएगी। जड़ता का मतलब बस आलसी होना नहीं है, जड़ता यानी कुछ चीजें धीमी हो जाएंगी, यानी सिस्टम में पुनर्निर्माण जल्दी नहीं होगा। आज आप जानते हैं कि दिमाग से अच्छा काम लेने के लिए सबसे जरूरी यह है कि दिमाग में नए सेल्स या कोशिकाएं जीवन भर जल्दी बनती रहें। इफ यू आर कंज्यूमिंग फूड्स विच आर तामसिक, अगर आप तामसिक भोजन खाते हैं जो आपके शरीर या आपकी ऊर्जा में जड़ता पैदा करता है, तो आप धीरे धीरे चीजों का अच्छे से अनुभव नहीं कर पाएंगे। सभी ये समझते हैं, तभी वो कोका कोला के प्याले या कॉफी या शराब या कुछ और पीते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसे संतुलित करना जरूरी है। तो ये संतुलन लाने का बचकाना तरीका है, यानी पहले गलत चीजें खाकर फिर उसे सही चीजों से ठीक करना। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटासिड दवाइयां, दुनिया के लगभग 60% एंटासिड अमेरिका में बेचे जाते हैं।
जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, यानी वहां कई विकल्प हैं, वो बेहतरीन खाना खा सकते हैं, पर नहीं, वो सबसे खराब खा रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल बिजनेस आपका भोजन तय कर रहे हैं, आप सचेत होकर कुछ नहीं खा रहे हैं। मान लीजिए लोग ताजा खाना खाने लगे। योग संस्कृति में अगर आप कुछ पकाते हैं तो उसे ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में खा लिया जाता है, 90 मिनट से पहले उसे खा लेना चाहिए। उसके बाद भोजन को नहीं छुआ जाता क्योंकि उसमें तमस आने लगता है, यानी जड़ता होगी। आप प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, 1 सप्ताह तक ताजी चीजें खाएं और फिर कोई प्रोसेस्ड चीज खाएं जो 1-2 महीने तक रखी गई हो। आप शरीर में सतर्कता का स्तर देखेंगे, आप इसे खुद अनुभव कर पाएंगे। ये सेल्स या कोशिकाओं में होता है, इसकी मूल चीज है। हम इसे ओजस कहते हैं, इसका कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। अगर आप काफी ओजस पैदा करें, जो कि ऊर्जा का एक गैर भौतिक आयाम है, अगर आपके शरीर की हर कोशिका या सेल में ओजस हो, तो यकीन मानिए आपकी उम्र लगभग रुक जाएगी, आपकी सेलुलर एज लंबे समय तक स्थिर रहेगी। मुझ पर कुछ टेस्ट किए गए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी सेलुलर उम्र 25 है। वैसे मैं 25 की उम्र जैसा ही हूं, मैं उतनी ही गतिविधि कर रहा हूं, मेरा वजन उतना ही है, सब वही है। ये कोई चमत्कार नहीं है, सभी ऐसा कर सकते हैं, बस बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा। भोजन से एक और चीज जुड़ी है जिसे विरुद्ध आहार कहते हैं, यानी अगर आप एक चीज खाकर कुछ ऐसा खाते हैं जो उसके खिलाफ काम करता है तो शरीर में जंग छिड़ जाएगी। पाचन प्रक्रिया काफी हद तक एसिड या एल्कलाइन जैसी चीजों से होती है। मान लीजिए आप फैट वाला मांस खाते हैं तो मांस अकेला उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर उसे चावल और घी यानी बिरयानी के साथ खाने में ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ हैं। इसी वजह से कोई भी मांसाहारी चीज और दूध या दूध से जुड़ा भोजन एक साथ नहीं खाते, क्योंकि उन्हें मिलाने से वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और आपके अंदर एक जंग पैदा कर देंगे। योग विज्ञान के हिसाब से भोजन पेट की थैली में 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। 2.5 घंटे में वो बाहर चला जाना चाहिए और पेट खाली हो जाना चाहिए। भूख नहीं लगेगी, पेट खाली रहेगा, यह अच्छा है। हम पेट को हमेशा खाली रखना चाहते हैं क्योंकि तब हर चीज बेहतर काम करती है, और पेट की सेहत को आज बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। अगर आप पेट को साफ नहीं रखते तो मन को संतुलित रखना बहुत मुश्किल है। तो आयुर्वेद और सिद्ध में अगर आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपको कोई परेशानी है या कोई मानसिक समस्याएं हैं, तो सबसे पहले ये शुद्धिकरण किया जाता है। पेट की सफाई से अचानक संतुलन महसूस होता है। तो ईशा योग केंद्र में हम सुबह नीम और हल्दी की एक छोटी गोली खाते हैं। इसके कई पहलू हैं, यह आपके सिस्टम पर कई तरह से असर डालती है। सबसे पहले तो ये खाने से आपका पाचन तंत्र या सिस्टम साफ रहेगा। साफ रहने से मेरा मतलब है, ये संपूर्ण पाचन प्रक्रिया एक ऐसी जगह है जहां दूसरे सूक्ष्म प्राणी सबसे ज्यादा होते हैं। तो हमारी भोजन नली सूक्ष्म जीवों से भरपूर है और उनमें से कई हमारे मददगार हो गए हैं। हम उन्हीं की वजह से जी रहे हैं और खाना पचा पा रहे हैं। वो हमारी कई तरह से मदद कर रहे हैं, पर कई जीव ऐसे भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नीम को जब हल्दी के साथ लिया जाए तो इन दोनों चीजों में ये खासियत है कि मोटे तौर पर वो चीजें जो शरीर के लिए जरूरी नहीं हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, यानी हर तरह के नुकसानदायक जीव या पैरासाइट्स खत्म हो जाते हैं। ये एक संपूर्ण समाधान नहीं है, पर इससे आपके शरीर को
सुधारने के लिए जरूरी माहौल बनेगा। फिर आप या तो दवा या जरूरी अभ्यास से चीजें सुधार सकते हैं। हम इसे उस व्यक्ति पर कैसे लागू करें जो अभी बीमार है? इसे करुणा के साथ संभालना होगा। इसका कोई तय तरीका नहीं है, मेरा तरीका या आपका तरीका। ये कहना बहुत मूर्खतापूर्ण होगा कि इसे केवल इसी तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि इंसान ऐसे नहीं होते। एक सोचा समझा कार्य, जो सही ज्यादा होगा और गलत कम। आप सही ज्यादा करें और गलत कम, आप बस यही कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी एक बिल्कुल सही तरीका पता है उन मानसिक स्थितियों के लिए जिनमें लोग हैं।